नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। यूट्यूबर अरमान मलिक जब से बिग बॉस ओटीटी में आए हैं तब से वह सुर्खियों में बने हुए। ज्यादातर तो वह अपनी दो शादियों को लेकर चर्चा में रहे। हालांकि उनके चर्चा में रहने की वजह विशाल पांडे को थप्पड़ मारना भी है। अरमान मलिक इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रोल्स निशाने पर है। इस शो में वह अपनी दो पत्नियों के साथ आए थे, लेकिन अब शो में एंट्री के बाद से अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल शो से बाहर हो गई है और कृतिका उनके साथ है। अब पायल ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में कुछ ऐसा कह दिया कि चर्चा का विषय बन गया है। काफी ज्यादा चौंकाने वाला है यह इनका शब्द। पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में कहा कि वह अरमान मलिक से तलाक लेना चाहती हैं। जी हाँ, अरमान अभी भी इस शो में बने हुए हैं, लेकिन पायल शो से बाहर हो चुके हैं और वह लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। साथ ही उनको अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। शो से बाहर आने के बाद पायल को बहुत से सवालों के जवाब देने पड़े हैं, जिनसे अब वह परेशान हो चुकी हैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। पायल ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अरमान से तलाक लेने की बात कही है। उनका कहना है कि मैं इस नफरत और ड्रामे से परेशान हो चुकी हूँ। जब तक यह सब मेरे बारे में था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब यह सब मेरे बच्चों तक पहुंचने लगा है। यह बहुत ही घिनौना और चौंकाने वाला है। इसी वजह से मैंने अरमान से अलग होने का फैसला किया है। बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगी, वह कृतिका के साथ रह सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने बोला। पायल आगे कहती हैं कि मुझे पता है कि गोलू यानी कि कृतिका जैद के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वह शायद उसे रख सकती है। मैं अपने तीन बच्चों को साथ लेकर चली जाऊंगी। हम तीन अलग होंगे या हम दो अलग होंगे मुझे नहीं पता, वो सब फैसला करेंगे, क्योंकि माँ बाप से यह सब सुन सकते हैं, हम बच्चों को ये सब नहीं सुना सकते। हम ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ लोग हमें जानते ही ना हो। लोगों ने इतनी बातें बनाई हैं कि अब मैं बता नहीं सकती। जो लोग हमें समझते थे वो भी अब भला बुरा बोल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।